ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। अब ये अपडेट मैं सोच रहा था कि ना दूँ और डायरेक्टली इस चीज़ को शुरू कर दूँ, लेकिन ये एक चैनल अपडेट है। मेरे को लगा कि आपका जानना ज़रूरी है कि चैनल पर चल क्या रहा है, और बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में कि भाई ये हो क्या रहा है चैनल पे, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं जो लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। ओके, तो यार मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे चैनल पे पहली बात तो व्यूज़ नहीं आ रहे बिल्कुल भी, ठीक है। चैनल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेड नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन रिस्पॉन्स ख़त्म हो चुका है। व्यूज़ जहाँ पे मेरे 20-30 हज़ार 40 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे एनिमे पे, वो भाई 2-3 हज़ार आ चुके हैं अब, ठीक है। गिर चुका है बहुत बुरी तरह से चैनल, ठीक है। अब ये चीज़ फर्स्ट टाइम नहीं हो रही मेरे साथ, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर जब यहाँ पे डीमन स्लेयर का एपिसोड आया था, तो मुझे याद है मैंने पहले के सीज़न कोई कवर नहीं कर रखे थे, मैंने डायरेक्टली थर्ड सीज़न से शायद तीसरा चौथा एपिसोड डाला था डायरेक्टली, और उस टाइम पे मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे आ गए थे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार मेरे ख्याल से अलग अलग एनिमे है, सीन है उनका, ठीक है। और जो एनिमे मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट प्रोबली उन पे व्यूज़ आ नहीं रहे मेरे, बाकी लोगों के आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। तो हो सकता है कोई इशू हो इस चीज़ में। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब मैं अपने चैनल का एक्सपेरिमेंट फेज़ शुरू करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट फेज़ इन द सेंस कि अभी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या है कि कोई एनिमे मैं शुरू करता हूँ, भले उस पर 1,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 5,000 व्यूज़ आ रहे हैं, 6,000 आ रहे हैं, तो मेरे को फिर ना वो कंटिन्यू करनी पड़ती है, 12 एपिसोड 25 एपिसोड जितने भी आएंगे उस एनिमे के। तो क्या है, मैं उस एनिमे में बन जाता हूँ, ठीक है। अब उन वीडियोज़ को बनाने में सेम एनर्जी लग रही है, सेम टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स जितना आना चाहिए यार, 10x रिस्पॉन्स आना चाहिए अभी के हिसाब से, कि यार जो 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं वो 20-30 हज़ार व्यूज़ आने चाहिए चैनल के हिसाब से, लेकिन वो नहीं आ रहे। तो यार थोड़ा बुरा लगता है, इसी वजह से थोड़ा अंदर से ना मन नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन इस चीज़ का सलूशन मैंने यही निकाला है कि यार मैं अब नए नए एनिमे ट्राई करूँ, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एपिसोड से पूरा डालना शुरू करूँगा, नहीं, जो रीसेंट में एपिसोड चल रहे हैं, ठीक है, ऑन गोइंग एनिमे है, ठीक है, जैसे आज कोई एनिमे का एपिसोड आया, 5th एपिसोड 6th एपिसोड 10th एपिसोड 100 एपिसोड 500,000, हाँ मैं वन पीस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा जो भी अपडेट में है, जो भी ट्रेंड में चलेगा, सिर्फ मैं उसके साथ भागूंगा। ओके, अब तुम बोलोगे भाई इससे इसका क्या मतलब होता है यार, जब हमने देखा ही नहीं आपके ऑडियंस ने पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे, तो उसको डालने का फ़ायदा क्या है। तो भाई देखो, डालने का फ़ायदा ये है कि पहली बात वो ट्रेंड पर चल रहा है। ट्रेंड पर चलने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है, अगर वो एपिसोड ट्रेंड पर चल रहा है तो उससे पहले के एपिसोड मोस्टली जो उसके रेगुलर वॉचर्स हैं उन्होंने देख रखे हैं, उनको स्टोरी पता है। लेकिन कुछ बेसब्रे लोग ऐसे होते हैं जिनसे वेट नहीं होता उनके फेवरेट यूट्यूबर्स का, तो वो क्या कहीं भी जाके देख लेते हैं। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा, ये मैं साफ बोल रहा था मैं वीडियो में, ठीक है। और ये चीज़ मैं पहले भी कर चुका हूँ, और ये चीज़ मेरे साथ रिवर्स भी हुई है। मतलब मैं बात करूँ अगर अटैक ऑन टाइटन की, तो अगर अटैक ऑन टाइटन पे मेरा चैनल टॉप पे रहता था हमेशा, लेकिन बीच में कुछ इश्यूज़ हुए होंगे, शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, तो फिर वो सारी ऑडियंस इधर उधर भाग गई। तो यार एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई, लॉयल ऑडियंस होती है यूट्यूब पे, लेकिन उससे ज़्यादा गद्दार होते हैं, जो कि भाई जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी वीडियो हमें देखनी है किसकी नहीं देखनी, और वो बस कहीं से भी जस्ट उनको मिल जाए वीडियो वो देखने के लिए तैयार हैं। तो मैं ऐसी ऑडियंस को अब टारगेट करूंगा। अब जहाँ तक बात है मेरे लॉयल फैंस की, तो उनके लिए तो जो मैं ब्लू बॉक्स और डैंडेलाइन चला रहा हूँ वो चलती रहेगी, और ऐसी ऑन गोइंग है एनिमे मैं कवर करता रहूंगा। मतलब जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर भी मेरा अभी ब्लीच चल रही है, तो वो सब मैं कंटिन्यूसली डालता रहूंगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का फायदा क्या है, इससे हम करेंगे क्या? तो यार देखो, ये मेरा जो मेन एम है वो ये है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट फेज शुरू करूँ, इसका तो ये है कि मैं नए नए एपिसोड डालना शुरू करूंगा रोज, ठीक है। अब जिन वीडियोज के ऊपर 10,000 से 20,000 तक व्यूज आते हैं कम से कम, ठीक है, कम से कम 10,000 व्यूज पहुंचते हैं एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि आपको पता है नए एपिसोड हर हफ्ते अपडेट होते हैं। ओके, तो जैसे ऐसे ही 10,000 व्यूज़ भी पहुंच जाएंगे एक हफ्ते के अंदर, तो नेक्स्ट एपिसोड में डाल दिया करूंगा, ये मेरा मेन फोकस है। और जिन पे ये टारगेट अचीव नहीं होगा, जिन पे कम व्यूज़ होंगे, उन वीडियोस को मैं डिलीट कर दिया करूंगा, और फिर मैं नई एनिमे की तरफ बढ़ूंगा। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ एनिमे ऐसी एनिमे ढूंढना शुरू करना चाहता हूँ जिन पे एटलीस्ट व्यूज़ आए, वर्थ हो यार। 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम 30,000 तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार, मैं 10% तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, ये तो ज़्यादा मैं बोल भी नहीं रहा, ये भी नहीं बोल रहा भाई 3 लाख ही व्यूज़ आने चाहिए, मैं तो बहुत छोटा एम कर रहा हूँ, लोग इससे बड़ा अचीव कर रहे हैं सोचो। तो फिर भी चलो ठीक है, मैं बस चाहता हूँ मेरे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, अब ज़्यादातर लोगों को पता है मेरी एज 27 है, ठीक है, अब मैं 28 का हो जाऊँगा, यूट्यूब में ना मतलब
मैंने सोच रखा था यूट्यूब को मैं करियर बनाऊंगा, और अच्छा खासा साथ दिया है यूट्यूब ने और तुम लोगों ने, लेकिन अभी जैसे हालात है ना चैनल के, तो मेरे को हर दूसरे दिन ये लगता था कि मैं बस बंद कर दूँ चैनल, मेरा मतलब नहीं है वीडियो डालने का कोई भी, लेकिन फिर कुछ होप्स रहती है माइंड में और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है अपना, तो गिव अप तो नहीं कर रहा इतनी ईजिली जब 10 साल तक यूट्यूब किया और अब जाके चला है थोड़ा बहुत, फिर से डाउन जा रहा है, तो यार ज़ीरो से स्टार्ट करने से तो अच्छा ही है कि नहीं? तो ये वाला सीन है, ये एक्सपेरिमेंट फेज़ था और मतलब शुरू होगा, एक्सपेरिमेंट फेज़ की इन्फॉर्मेशन थी ये, मैंने सोचा आप लोगों को बता दो, जो लॉयल ऑडियंस है उनका जानना ज़रूरी बनता है इस चीज़ के लिए, ओके, और जो इधर उधर भागती है ऑडियंस उनको शायद पता भी नहीं चलेगा ये वीडियो डली है, ठीक है? तो बस जो लॉयल ऑडियंस है जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं वही होंगे जो देखेंगे, है कि नहीं? तो यार सिंपल सी बात है, और ये अनएडिटेड वीडियो है, मैं इस पर कोई कट्स नहीं लगा रहा, ना कोई म्यूज़िक वगैरह लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि नेचुरल रखना चाहता हूँ ये चीज़ में, क्योंकि क्या है ना यार समझ नहीं आता मेरे को, बहुत कन्फ्यूजन है मेरे माइंड में, कन्फ्यूजन है बहुत, बट चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए ये सोल्यूशन निकाला है मैंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है? और साथ के साथ मैं सेकंड चैनल जो कि है एनएक्सप्लेन, उसके ऊपर हम वन पंच मैन की मांगा तो कवर कर रहे हैं, साथ में फैन मांगा वगैरह कवर करना शुरू करेंगे और नई मांगा कवर करना शुरू करेंगे। अब ऑब्वियस बात है मेरे प्लान्स भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, और हो सकता है कि यूट्यूब पर अगर इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स ना आए तो मैं यूट्यूब धीरे धीरे करके बंद कर दूं या फिर कम वीडियोस डालूं, अभी आप बोलोगे ऑलरेडी कम ही डाल रहे हैं, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है कि मैं नए प्लान्स पे ध्यान दूंगा अपने, क्योंकि यार देखो इन द एंड पैसा कमाना है, ठीक है? अब मैंने यूट्यूब के लिए जॉब वगैरह सबको लात मार दी थी, ठीक है, कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को इतना भरोसा था अपनी ऑडियंस पे, अपनी स्किल्स पे, यूट्यूब पे, कि हो सकता है, और हो रहा था, बट क्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था इसलिए मैं क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी काम करता रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब भी मेरे दिल के करीब है, इस वजह से मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, अभी तुम लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा, मैं इस चैनल पर काम नहीं करूँगा तो हो सकता है मैं गेमिंग चैनल पर ज़्यादा रेगुलर हो जाऊँ, जो कि मैंने अभी रिसेंट में बनाया था, और उस पर मैं वीडियोज़ डालना कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर आए वीडियोज़ रोज़ आएँ, ओके। तो क्या है कि हम टोटली गिव अप नहीं करेंगे, बट एनिमे की बात करो कि एनिमे में बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है, जो एक टाइम ऐसा आया था बीच में, तुम्हें पता है कि यार हर दूसरा बंदा टेक यूट्यूबर बन गया था, टेक सुमित, टेक राहुल, जो भी तुम्हारा नाम है उसके आगे टेक लगा लो, उसको सर्च करो यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, ऐसा हाल हो रखा है, ठीक है? तो वही हाल अपना एनिमे चैनल्स का हो गया है कि हर दूसरा बंदा एनिमे यूट्यूबर बन चुका है, तो एनिमे जहाँ पे पहले अंडर रेटेड हुआ करती थी, जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की थी अंडर रेटेड थी तब एनिमे, तो मेरे को अच्छा लगता था वीडियो बनाना, कि इसलिए नहीं पैसों के लिए नहीं, मैं चाहता था ज़्यादातर लोगों तक मैं पहुँचाऊँ ये स्टोरी डेथ नोट की, अटैक ऑन टाइटन की, कितनी अमेजिंग स्टोरी है, लोगों को दिखाना चाहता था मैं, इसलिए मैंने चैनल बनाया था। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा एनिमे यूट्यूबर है, सबको एनिमे के बारे में पता है, और सबसे बड़ा जो रिस्क है एनिमे चैनल्स को वो दो हैं, पहला है कि भाई स्ट्राइक मार देती कंपनीज, ठीक है, दूसरा ये है कि अब हिंदी डब होने लगी है एनिमे, तो एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब बनता नहीं, तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं इस चैनल को थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके ओपिनियन और रिव्यूज़ डालना शुरू कर दूं, या फिर एनिमे न्यूज़ कवर करना शुरू कर दूं, कुछ भी हो सकता है, यही बोला ना मैंने, एक्सपेरिमेंट फेज शुरू हो रहा है, तो इसमें मैं हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करूंगा इस चैनल के साथ, जो वर्क करेगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसी टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं चल रही चीज़ें उनको काटना शुरू करेंगे, ये है सिंपल सा रूल इस एक्सपेरिमेंट फेज़ का। तो आई होप आपको ये चीज़, ये डिसीजन समझ आया होगा, और आप सपोर्ट करेंगे मेरे को इस डिसीज़न के लिए, क्योंकि गिव अप तो नहीं कर रहे, तो आइडियाज़ ही बना सकते हैं नए नए, है ना, कि कैसे हम चला सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? जब तक हो रहा है ट्राई करेंगे, नए आइडियाज़ आप लोग भी दे सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? और हो सकता है हर चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कि मैं रिव्यूज़ देने में परफेक्ट नहीं होऊंगा, मैं गेमिंग में परफेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन ट्राई करेंगे, ट्राई करने से ही आगे बढ़ते हैं कि नहीं? तो ये सिंपल सी बात है, और ये सिंपल सा टॉपिक था, ये बात मेरे को आपसे करनी थी, मैं शायद आपसे कर लेता लाइव स्ट्रीम में ये बात, लेकिन लाइव स्ट्रीम में आपको पता है फिर लोग कमेंट्स में भी आंसर क्वेश्चन आंसर्स खेलते हैं, तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रैक्शन होती है, तो ये एक टॉपिक कंटिन्यू नहीं रह पाता, ओके। तो ये मैंने डाल दिया अब, ओके, अब जो भी है देखेंगे जो होता है, ठीक है? अभी मैंने इसलिए ड्रैगन बॉल डायमा का 5th एपिसोड डाल दिया, ओके, अब देखते हैं उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि रात में डाले तो रात में तो ऑडियंस एक्टिव होती नहीं, अब कल देखेंगे, अभी सुबह के 6:30 होने वाले हैं, और बस हो ही गया यार, अब इतना ही है, अब मैं ज़्यादा इस लंबा है यार, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींचता नहीं, अब तुम सोचोगे कि मेरा जीप क्यों लबा दबा रही है, तो भाई ऑब्वियसली बात है मैं रात भर सोया नहीं हूँ, अब सोने जाऊँगा मैं एज़ यूजुअल, भाई तुम लोगों के लिए जाग के रात में वीडियो बनाता हूँ, यही सीन है, बट कोई बात नहीं, चलो जो भी है, अभी के लिए हम ये
वीडियो यहीं पे रखते हैं, और अभी कल से मोस्ट प्रॉब्ली मैं नई एनिमेस पिकअप करना शुरू कर दूंगा, तो जिससे कि आप लोग शौक ना हो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो ठीक है, जो भी होगा अपने तुम ओपिनियन रिव्यूज़ कमेंट्स डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करता ही हूँ वैसे भी सबके कमेंट्स। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, बाय। ओके बाय।